हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सेंदा बेजाल। आई एम वर्किंग इन किंडर स्पोर्ट्स एज अ टेक्वांडो ट्रेनर इन श्री सरस्वती शिशु मंदिर सिद्धपुर। वार्म अप हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से पहले हमारे मसल सोए होते हैं। इसको जगाने के लिए और इंजरी से बचने के लिए हमें वार्म अप करना चाहिए। आज हम करेंगे टैक्वांडो की कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं टूर्नामेंट में, फाइट में। कोई भी प्लेयर टूर्नामेंट में ऑन ग्राउंड पे अगर उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है किकिंग का, तो वो इजीली सामने वाले प्लेयर को मार सकता है और पॉइंट कवर कर सकता है। और फाइट में ऑन ग्राउंड में डिफेंस में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही काम आते हैं। तो आज हम देखेंगे ये कॉम्बिनेशन कैसे करना है, किकिंग कॉम्बिनेशन है। तो पहले चुंबी पोजीशन, फिर चिरेट दे चुंबी एंड फाइटिंग पोजीशन, ये राइट लेग बैक और सामने हाथ। यह डेमोंस्ट्रेशन है, इसके लिए ऐसा होता है अगर सामने कोई इक्विपमेंट पेड़ लेके खड़ा हो तो वो स्टांस बदल जाते हैं। तो ये पहले होगी ड्रॉप, जो यहाँ से मारनी है, ये आगे की तरफ रखनी है, पहले ड्रॉप। फिर है राउंडर्स, आगे की तरफ बॉडी लाना है। और फिर है बैक किक है, इसीलिए प्लेयर बाहर ग्राउंड की बाहर चला जाता है। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन, वन टू एंड थ्री, इससे प्लेयर एरिना की बाहर की तरफ चला जा रहा है और पॉइंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वन टू फिर इसको हम फ्रंट लेग ड्रॉप ही मार सकते हैं स्टेपिंग में कॉम्बिनेशन, ये वन फिर टू एंड थ्री। ये कॉम्बिनेशन फाइट में बहुत ही जरूरी है उम्दा परफॉर्मेंस के लिए, पॉइंट कवर करने के लिए। यानी वन फेस लेवर चेज और चेज, तुरंत ही प्ले ग्राउंड के बाहर और प्लस पॉइंट मिले। वन टू ये हो गया कॉम्बिनेशन। फिर लास्ट में चुंबे से एंड चुंबे, कूल डाउन करना चाहिए, क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज या वर्कआउट किया होता है उसको फिर हमारे जगे हुए मसल्स को रिलैक्स मोड में लाने के लिए और हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है उसको डाउन करने के लिए हमें कूल डाउन करना ज़रूरी है।